अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इन्फो बग अपडेट में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपकी मेजबान। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस की तरफ। कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के 3 कारकुनों को लाल चौक में क्लॉक टावर पर तिरंगा लहराने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया। कारकुनों का कहना है कि हम लाल चौक में यौम इल्हाक मनाना चाहते थे, महबूबा उमर को पैगाम देना चाहते थे कि कश्मीर में सिर्फ कौमी परचम रहेगा। LAHDC इंतखाबात, नुब्रावादी में बीजेपी ने 7 सीटों में से 6 निशस्तें जीत ली। नुब्रावादी की गिनती का नतीजा अक्स किया और तमाम 7 निशस्तें इसी इलाके से हैं। वादी में एक खूबसूरत माहौल कायम हुआ। हम एक दुरुस्त रह पर गामजन हैं। GOC 15वें कोर के कमांडर BS राजू, इनका कहना है कि बंदूक बरादर नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बंदूक छोड़कर असक्रिय पसंदी की राह पर गामजन नौजवानों का इस्तकबाल है। जनूबी कश्मीर मामूल की राह पर गामजन है और वहाँ मुआशी सरगर्मियाँ बहाल हो रही है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। हाजी पी ब्रिगेडियर वज्रा डिवीजन और हमदर्दी कुपवाड़ा के जेर एहतमाम कैंप का निकाद, जो NGO सेव यूथ सेव फ्यूचर के तौर से किया, जिसका मकसद कश्मीरी नौजवानों को मंशियात का इस्तेमाल और उसके नाजायज असरात से मुतालिक आगाही करना था। श्रीनगर में CRPF के जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। जाम बहक होने वाले CRPF जवान का ताल्लुक श्रीनगर की डिकॉय 141 बटालियन शेरगिरी से था। आज के लिए बस इतना ही। कल मजीद अपडेट्स के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहे इन्फो बाग।